ये ब्रिज आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये 1902 में बना था, जिसके 122 साल मुकम्मल हो चुके हैं, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इसको बनाने वाले का नाम था मिस्टर रॉबर्टसन। जी तो दोस्तों, मैं 11:15 बजे निकला हूँ आज, और अभी मैं खुशलगढ़ टूल प्लाजा पहुँच चुका हूँ। तो मेरा इरादा है कि आगे खुशलगढ़ पे पुल्स हैं, जिसमें से एक 122 साल पुराना है और दूसरा न्यू ब्रिज है, जो कि 2014 में बना है। इनको मैं कैप्चर करूँगा और आपको दिखाऊँगा। तब तक आप लोग रास्ते की सीन चेक करें। ये जो ज़्यारत आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये बाबा मस्तान शाह बुखारी की है। हम पहुंच गए हैं खुशलगढ़ के न्यू ब्रिज पे, जिस पे जा रहा हूं मैं अभी। और दोस्तों, आपको मेरे राइट साइड पर भी एक ब्रिज नज़र आ रहा है, ये पुराना ब्रिज है। ये दोनों ब्रिज जो कि दरियाए सिंध पर बने हुए हैं। नीचे एक रोड बनी हुई है, जो ये नीचे दरिया की तरफ जा रही है। ये गैस की पाइपलाइन है, जो दरिया के ऊपर न्यू ब्रिज के साथ साथ गई हुई है। जी तो फ्रेंड्स, ये दरियाए सिंध है, जिसको इंडस रिवर भी कहते हैं। ये दरिया चाइना से होके लद्दाख से होकर पाकिस्तान में आता है, गिलगित बल्तिस्तान के रास्ते से। पूरे पाकिस्तान में ये दरिया फैला हुआ है,
और ये एशिया का सबसे बड़ा दरिया है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये न्यू ब्रिज है जो UGDCL नेशनल हाईवे मॉल कंपनी और हंगरी कंपनी के इश्तराक से मिलकर बनाया था। 373 मीटर लॉन्ग ब्रिज है ये जो कि पंजाब और KPK को कनेक्ट करता है और इस ब्रिज की कैपेसिटी 200 मीट्रिक टन है। सारी रेत है जो दरिया के साथ बह के आती है। लोग यहाँ एंजॉयमेंट के लिए आते हैं फैमिलीज के साथ भी, स्पेशली ईद के मौके पर यहाँ पर बहुत रश होता है, निहाने के लिए लोग यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं। ये ब्रिज आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये 1902 में बना था जिसके 122 साल मुकम्मल हो चुके हैं जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और इसको बनाने वाले का नाम था मिस्टर रॉबर्टसन। और इसके अंदर जो रास्ता बना हुआ है इसमें पहले गाड़ियां गुजरती थी लेकिन अब वो नहीं गुजरती है और अब गाड़ियां इस नए पुल से जा रही हैं।